मैं शर्लिन चोपड़ा कर रही हूँ। डंडे पुलिस वालों ने डंडे मार के पुलिस वालों ने भगा दिया। मेरी कंप्लेंट नहीं ले रहे, झूठी झूठी कंप्लेंट लोगों पे इल्जाम लगाती हूँ मैं, रेप का छेड़खानी का रिपोर्ट लगाती हूँ मैं। पुलिस वालों ने डंडे मार के भगा दिया मुझे। देखिए एक बात बताती हूँ, मैं शर्लिन चोपड़ा का असली चेहरा लोगों को इसलिए दिखाती हूँ, इसलिए आई हूँ कि वो एक वो एक पहले ब्लू फिल्मों में काम करती है, पॉर्न स्टार है, और वो कहती है कि मैं हिंदुस्तान की औरतों को इज्जत दिलाने चली हूँ, इज्जत दिलाने चली है। अरे पहले तो खुद की तो इज्जत को ढक के रख, पहले तो न्यूड होके बॉडी पे हनी डाल के चॉकलेट डाल के ये गंदगी कर रही है क्या? तो, जो कार्यकर्ता है जो उसको सपोर्ट कर रही है, क्या उन कार्यकर्ता महिलाओं को क्या पता है? वो एडवोकेट्स जो है क्या उनको पता है कि शी इज अ पॉर्न स्टार? 2019 में अलीगढ़ में वो प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ी गई थी। सब कुछ तो मैंने आपको दिखाया है ना जी? नहीं नहीं। तो फिर और एक बात बताइए कि वो शर्लिन चोपड़ा रो साल में 6 महीने सिर्फ पुलिस स्टेशन मीडिया ट्रायल करती रहेगी, और सारे सेलिब्रिटी प्रोड्यूसर डायरेक्टर मंत्री शंत्री इन पे इल्जाम डालती रहेगी। आप मुझे बताइए, इल्जाम डालती रहेगी। वो बेचारे वो लोग तो खामोश बैठे हैं, उनकी बीवियां खामोश बैठी है कि हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि शर्लिन चोपड़ा एक कीचड़ है, समझ रहे हो आप? वो एक कीचड़ है, तो कीचड़ का जो कीड़ा है ना, तो मुझे कीचड़ में जाके शर्लिन चोपड़ा कीचड़ का जो कीड़ा है उसको अंदर जाके मारना पड़ रहा है, आप समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं ही हूँ एक बॉलीवुड में हूँ जो ऐसे गंदे नाली के कीड़ा जो शर्लिन चोपड़ा उसका सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? मेरे बॉलीवुड के लोगों के लिए, देश के उन जनता के लिए, उन मर्दों के लिए जिसको शर्लिन चोपड़ा ने ऊपरों कैमरा रखकर होटलों में अंदर बुलाता है। वो डायलॉग है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो शर्लिन चोपड़ा पे ही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऊपरों कैमरा रख के वो आपकी ब्लू फिल्म बना लेगी, स्ट्रिंग ऑपरेशन कर लेगी, गंदगी करेगी, और सारी जिंदगी आपको वो ब्लैकमेल करेगी कि आपके वीडियो आपकी बीवी बच्चों को दिखा देंगे तो वो पैसा भर लेगी। भाई साहब थोड़ा आ जा, साइड में आ जा, है ना? आप मत वो पहन के घुसो बीच में। मैम आज एफआईआर भी गया आपके नाम पे, शर्लिन चोपड़ा। आज एफआईआर भी गया उनके नाम, आपके नाम पे, मेरे नाम पे करो, राखी जी ऑब्वियसली मेरे नाम पे करो, मैं भी अभी करूंगी। मानहानि का दावा, मेरे 10 पति इस यहाँ पे किसको बोलने का अधिकार है? मेरे 10 पति, मेरे बाल मोटी, ये वो, चप्पल से मारूंगी, बहुत सारा बोला है ना। आने दो, मैं इंतजार में बैठी हूँ। राखी जी ये मामला तो सिविल डेफिमेशन फाइल किया है। हाँ सिविल डेफिमेशन फाइल किया है। हाँ हाँ आदल, राखी जी ये मामला तो खैर शर्लिन और साजिद खान के उनके बीच का है। सवाल ये पैदा होता है कि मतलब क्या जरूरत है आपको दो लोगों के जो मैटर चल रहा है लीगल? दो लोगों का मैटर कैसे? साजिद खान बिग बॉस में है, कई सारी लड़कियों ने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। कई सारी लड़कियों ने पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, कई सारी लड़कियों ने कोर्ट में जाना चाहिए। शर्लिन चोपड़ा है कौन? शर्लिन चोपड़ा है कौन? वो सबके लिए केस लड़ने वाली वो कौन है? वो है पॉर्न स्टार, वो है ब्लू फिल्मों में काम करने वाली पॉर्न स्टार, और मर्दों को, मर्दों के ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाकर वो है ब्लैकमेल करने वाली। तुम्हारी अय्याशी के लिए आप गाड़ी बड़ी चाहिए तो आप ऐसी गंदी फिल्में बना के लोगों से पैसे ऐंठती है, आपको बड़ा घर चाहिए तो आप
पैसा अटने के लिए ये ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करती है। उन्होंने जिस मुद्दे पे जो कहा है शब्द का इस्तेमाल किया वो है कंसेंट, कि एक लड़की उसके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी कुछ करे एक व्यक्ति, लेकिन यू नो बिना उसकी कंसेंट के कोई उसके साथ यू नो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, उन्होंने इस चीज के बारे में कहा है। तो वो नहीं कौन सा किसने क्या कहा है हम तो देख रहे हैं, आप आपको मैं भेजती हूँ उसके फोन वीडियो। मैडम उसका उस केस से क्या लेना देना? कौन से केस से? जो भी वो कंटेंट बनाती है, एडल्ट कंटेंट बनाती है, उनका उसके साजिद खान के क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना। तुम एक पॉर्न स्टार हो, तुम्हें खुद कपड़े आरोप लगाए हैं, कपड़े नहीं आरोप लगाया है, नहीं आरोप जो लगाया है, नहीं नहीं जो आरोप लगाया है वो पुलिस स्टेशन जाए, मीडिया ट्रायल ना करे। अच्छा, मीडिया ट्रायल नहीं करना है? ओके ओके। मीडिया ट्रायल क्यों किया? पुलिस स्टेशन जाए ना। अगर मैं कहती हूँ साजिद खान गुनहगार है तो कोर्ट उसको सजा दे, पुलिस उसको सजा दे। वो लड़कियाँ कहाँ छुप के बैठी है? एक भी लड़की बाहर तो आए सिर्फ इंस्टाग्राम से बोलने से। आपको लगता है कि सारी लड़कियां जो भी है इन्होंने आरोप लगाए वो सब पुलिस स्टेशन जाए? नहीं, वो कहती है कि वो पुलिस स्टेशन जाए, पुलिस स्टेशन जाए। लीगली हमारे देश में कानून नहीं है क्या? सब कुछ अरविंद चोपड़ा ही है? हमारे देश का कोई कानून, जज, पुलिस कुछ भी नहीं है? सिर्फ अरविंद चोपड़ा ही है क्या? ये सारी लड़कियां कौन? अरविंद चोपड़ा कोई जज है? कहाँ की जज है? कहाँ की जज है? वो कहाँ की जज है जो ये सारी लड़कियां जा रही विक्टिम है? चार साल से साजिद खान बैठा था तब ये जागे नहीं। जैसे साजिद खान बिग बॉस में पहुंचा पब्लिसिटी लूटने भाग गई है, ये पब्लिसिटी लूटने भाग गई, ये पब्लिसिटी स्टंट है पूरा। इसको बिग बॉस में जाना है, पब्लिसिटी चाहिए। तो आपके हिसाब से फिर जो बाकी लड़कियां हैं वो भी क्या पब्लिसिटी स्टंट कर रही है? मैं बाकी लड़कियों का इसलिए नहीं बोलूंगी कि वो लड़कियां ना पुलिस स्टेशन गई है ना कोर्ट गई है। मैं अपने देश के संविधान को रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे देश के कानून को रिस्पेक्ट करती हूँ, कोर्ट कचहरी को, जज साहब को रिस्पेक्ट करती हूँ। तो देश का कानून मतलब मीडिया ट्रायल में नहीं सॉल्व हो सकता। मतलब जो देश में गुनाह या जो भी क्राइम होते हैं वो मीडिया ट्रायल में नहीं सॉल्व हो सकता दोस्तों। उस बंदे को जाना ही पड़ेगा कोर्ट कचहरी। कोई आत्महत्या करेगा, कोई मर्डर करेगा, क्या मीडिया सॉल्व करती है? हाँ? वो तो अभी कर रही है, वो कचहरी का कर रही है। हाँ। लेकिन कोर्ट कचहरी हमारे देश में है। मैं उन लोगों को कहती हूँ 9967878611 पे मुझे कॉल कीजिए, जिन जिन मर्दों को, जिन जिन लोगों को अरविंद चोपड़ा ने ब्लैकमेल किया है, आप कॉल कीजिए, आपके वीडियो भेजिए, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल्स भेजिए, क्योंकि ये सालों से यही करती आ रही है। राखी लेकिन ये यही करती आ रही है राखी, साजिद खान को राखी जी, राखी जी एक आखिरी सवाल, लेकिन साजिद खान को जो इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन है उसने, उन्होंने एक साल तक, जब मैंने उस टाइम पे जब उन लोगों से बात की थी, एक साल के लिए उनको बैन किया था। देखिए मिल गई ना सजा, मेरे भाई सजा मिल गई ना साजिद खान को। अब अगर उन लोगों ने बैन किया था, साजिद खान के पास कोई जवाब नहीं थे, और वो जो आईएफटीडी वाले क्या जवाब देगा? आईएफटीडी वालों का कहना था कि उनका जो जवाब वो कुछ हवा में बात कर रहे थे, उन्होंने वो चार साल बेचारा सजा भुगत चुका है। पर मैडम आपको साजिद खान भाई जो है चार साल सजा भुगत चुके हैं। किसी भी इंसान को, इंसानियत को अधिकार नहीं है कि आप उनको फांसी की सजा दे दो। राखी जी मैं किसी का साइड नहीं लेना चाहता, बट जो आरोप ऐसे गंभीर है तो क्या आपको नहीं लगता? नहीं, अगर फिल्म इंडस्ट्री साजिद खान को और लोग इस पे टिप्पणी ना दे, नहीं 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 क्यों लोग ना टिप्पणी दे? अरविंद बाहर आके मेरे फिल्म इंडस्ट्री को, मेरे लोगों को, देश की जनता को, लोगों को मतलब खराब करने की कोशिश करेगी, जुड़ा जुड़ा केस करके अपने बैंक अकाउंट भरने की कोशिश करेगी, वहाँ पे राखी सावंत जरूर आएगी। आप समझ रहे हो भाई? अभी तो तुम्हारे घर में गुप्रो कैमरा रख के तुम्हारे रूम में नहीं शूट किया है, क्योंकि जिसपे बिकती है ना वही जानता है। समझ गए भाई? और तुम शुक्र करो तुम्हारी बहन राखी सावंत जैसी एक लड़की है तो ऐसी घिनौनी औरत, कीचड़ और दलदल जैसी जो ये लड़की है अरविंद चोपड़ा, ऐसी ऐसी औरतों को सामना करने के लिए राखी सावंत खड़ी है। तुम जैसे मर्दों को, शरीफ मर्दों को जो बदनाम कर रही है उनको न्याय दिलाने के लिए राखी सावंत खड़ी है। अगर उन बेकसूर मर्दों को जो कसूरवार है उनको तो कोर्ट में जाए भाई,
फिर उनको सजा हो, मेरे को लेना देना नहीं है। लेकिन जो बेकसूर है, देखो एक मर्द है, उसके दो बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी बीवी है, वो आके मीडिया में ट्रायल नहीं करेगा, वो नहीं करेगा कि भाई ये झूठी लड़की है, मेरे साथ ऐसा कर रही है। पहले तो ट्रियल मीडिया उसको नोच के खा जाएगी, बोलेगी तुम उसको क्यों गए थे कमरे में, ये क्यों बनाया, ये कैमरा क्यों रखा। क्या आप चाहते एक मर्द के कारण उसकी बीवी आत्महत्या करे, उनके बच्चे मर जाए? नहीं, उनकी तरफ से मैं लड़ रही हूँ। आया समझ में? मेरे को कोई शौक नहीं है। मुझे मोटा बोला, चले हाँ ठीक है मैं मोटी हूँ, लेकिन मैं आज भी काम कर रही हूँ, मेरी इंडस्ट्री मेरे को रोटी दे रही है, काम कर रही हूँ मैं। मेरे सर में गंजी, मुझे गंजा बोला, अलग बाल कितने मेरे, ये देखो कितने बाल है, खींचोगे भाई खींचो, मेरे को झूठा झूठा बोल रही मेरे खिलाफ। आपको नहीं लगता कि ये मामला आदिल 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 अब आदिल आदिल जी क्या कहना चाहोगे, आपका नया सॉन्ग कब आ रहा है? एक सेकंड शांत शांत, आदिल सर को बीच में मत लाओ प्लीज। देखो भाई मेरा ये बोलना है, थोड़ा लाउड बोलिए सर, मेरा ये बोलना है बॉडी शेमिंग पे मत आओ। राखी की देखो, राखी की गलती नहीं है, आप लोग भी जानते हो राखी ने कुछ नहीं किया है। अगर देखो न्याय के लिए अगर वो बात करती है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इट इज वेरी सिंपल। आपका पहला रिएक्शन क्या हुआ जब वो राखी सावंत के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया? तो मुझे तो बुरा लगेगा ही ना, मुझे तो बुरा लगेगा ही ना। आगे सर आपका एक्शन लेने आपका एक्शन क्या होगा आगे इनके शर्लिन के खिलाफ आपका एक्शन क्या होगा? मैं कुछ भी एक्शन नहीं लूंगा, बिकॉज शी इज अ गर्ल, शी इज अ लेडी। राखी जो ले रहे हैं उसका मामला है, वो आपस का मामला है, बट आई एम विथ हर। इन्होंने बोला कि वो मेरे पे केस कर रही है, हम भी जवाब देंगे, पूरा जवाब देंगे, क्यों नहीं देंगे। मेरे जब उसके पास मेरे वीडियो बाइट्स है, मेरे पास उसके सारे वीडियो बाइट्स है, 200 करोड़ का केस इस पे ठोकूंगी मैं। एज फार एज पुलिस की बात करता हूँ, उनका बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन राखी 121 कमिश्नर से बात करती है, मुंबई के आईजी से बात करती है, एसीपी डीसीपी से बात करती है, ये मैं जानता हूँ, मैं गवाह हूँ। इसके पहले भी क्योंकि मुंबई पुलिस की बेटी हूँ मैं, और मुंबई पुलिस की बेटी हूँ, तो ऐसे शर्लिन जैसा कीड़ा, गंदगी नाली का कीड़ा आके मुंबई पुलिस को कुछ बोल नहीं सकता कि मुंबई पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लेती है। मुंबई पुलिस जो है, देश की पुलिस जो है, वो दिन रात काम करती है, अपने बीवी बच्चों को घर में छोड़ के देश की जनता की सेवा करती है। कौन है ये शर्लिन चोपड़ा पॉर्न स्टार जो आके मुंबई पुलिस को कुछ भी बोल देगी? कोर्ट कल जाके कोर्ट में केस कुछ हुआ, किसी के भी कुछ भी हुआ तो कल कोर्ट को गाली देगी, देश की जनता को, हर किसी को। आपने इस महिला को छोड़ दे दी है गंदगी को, कि किसी को भी कुछ भी गाली दे देगी। बार-बार और उसके खिलाफ कोई लड़ेगा नहीं, क्यों नहीं लड़ेगा? क्यों नहीं, मैं हूँ राखी सावंत जिंदा अभी, समझे ना। राखी जी एक आखिरी सवाल, आप बार बार पोर्न स्टार का शब्द का इस्तेमाल कर रही है। जी जी, आप बार बार पोर्न स्टार शब्द का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पोर्न, और फोन देखने वाले तो मर्द ही हैं, तो अगर जो उसमें जो चाहे वो मर्द हो या महिला हो, अगर वो ऐसी फिल्मों में काम करते हैं, तो डोंट यू थिंक कि मतलब आपका ये कहना नहीं, 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 भाई साहब आप समझ नहीं रहे। नहीं नहीं, ये जो शर्लिन चोपड़ा है देश की महिलाओं को न्याय दिलाने चली है ना, तो आप कौन हो, आप कौन हो, आप एक पॉर्न स्टार हो, आप एक पॉर्न स्टार हो, सबको गाली देती हो, और आप कौन सा न्याय दिला, आप कौन, आपका कोर्ट हो शर्लिन चोपड़ा, कोई 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 कोर्ट है, कोई पुलिस स्टेशन है, कौन है वो कौन है, वो कौन है जो नहीं दिया दिलाने चली है उन महिलाओं को? वो महिला है, इसके पास गई भी नहीं है, ये बढ़ चढ़ के चार वकील भाड़े के टट्टू बाहर खड़े पीछे खड़े किए, चार वकील भाड़े के टट्टू को बाहर एकदम चार झूठे कोट काले पिना के भाड़े पे कोट मिलते, मैं 10 लोगों को खड़ा करूँ यहाँ पे ना, बॉलीवुड ड्रामा में ना सारे ड्रेसेस मिलते हैं झूठे, वो जो ड्रेस है ना कोर्ट के, चार लोगों को खड़ा कर दिया पीछे, आप समझ रहे हो? ये ड्रामे मेरे सामने नहीं चलेंगे, और तुम्हारी ये शर्लिन चोपड़े का ड्रामा हमारे सामने नहीं चलेगा। वो कोर्ट जाए तो मैं सेशन कोर्ट जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, देखती हूँ किसमें कितना है दम, आजा मैदान में, अभी तो पिक्चर नहीं वॉर शुरू हो गया है, आजा तू नहीं या मैं नहीं, चलो समझ गए। देश की लड़की हूँ मैं, देश की जनता के साथ गलत होगा
राखी सावंत खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मिमिक्री हो जाए शर्लिन चोपड़ा के, आपके ऊपर किया दो, आप कर दो प्लीज, कर दो आप। क्या करूं, एक सेलिब्रिटी हूँ, इस देश में सेलिब्रिटी के साथ ऐसा होता है तो आम जनता के साथ ऐसा होता है। मैं शर्लिन चोपड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने गई, मुझे डंडे मार के पुलिस ने भगा दिया। ये तो कोई सबूत तो ले आओ, जो तुम 35-50 किलो का मेकअप लगा के सर में बाल लगा के आ जाती हो, खराब करने यहाँ पे ऑलरेडी कितने क्रिमिनल्स है, इनकी कंप्लेंट है तुम्हारे ड्रामे देख के, इसीलिए मैं मीडिया ट्रायल में आ गई हूँ। जल्दी कर, जल्दी मेरा मेकअप निकल जाए इससे पहले, जल्दी कर, जल्दी कर। मीडिया वालों तुम्हें मेरा सहारा हो मेरे माई बाप।